तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। शाहरुख खान की फिल्म जवान कल धमाकेदार सेकंड मंडे यानी 12 दिन कंप्लीट करके आज 13वें दिन में एंट्री मार ली है और जल्द ही ये फिल्म 500 करोड़ सिर्फ हिंदी से कमाएगी और 600 करोड़ के क्रम में एंट्री मारेगी सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, क्योंकि सिर्फ हिंदी से ये मूवी 400 करोड़ तो सेफली कमा चुकी है अपने पहले 11 दिन के अंदर। तो देखना अब ये होगा कि क्या जवान सिर्फ नेट इंडिया कलेक्शन से 700 करोड़ के क्रम में एंट्री मार जाएगी या नहीं। लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल 12 का दिन कैसा रहा मूवी का, आज डेट 13 की ग्रोथ कैसी रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी और टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर लिया है अभी तक, पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी, फर्स्ट वीक में कितनी कमाई करी और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड जवान तोड़ चुकी है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहना। अगर मूवी से रिलेटेड, जवान से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं तब और SRK के शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें से दीपिका पादुकोण, विजय थालापति और संजय दत्त जैसे जिंगल स्टार भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग। ऑल्सो 4 चांद तो नयनतारा ने लगाया है सेकंड लीड में SRK का भरपूर साथ देते हुए। इसी के साथ सपोर्टिंग में सानिया मल्होत्रा, प्रिया मणि, सुनील ग्रोवर एंड विलेन मैं कह रहा हूँ विजय सेतुपति, सुपर फैंटेस्टिक। नेगेटिव रोल में क्या छाया ये बंदा, SRK मल्टीपल रोल्स में अकेला भारी पड़ा है। साथ ही कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज सुपर अमेजिंग और अटली जो तमिल के डायरेक्टर हैं, साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वो जबरदस्त लगा, मजेदार लगा। स्टोरी लाइन बड़ी प्यारी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मसाला मूवी में हमें स्टोरी पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता है, लॉजिक को हमेशा घर पे छोड़ के जाना पड़ता है एक्शन मूवी को देखने के लिए। तो सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर भी जबरदस्त तरीके से बात उठाई है भाई गॉड। और अटली कुमार हमेशा अपनी फिल्मों में ऐसा करते हैं, जैसे कि अगर आप इनकी साउथ की विजय थालापति के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज उठा के देख लीजिए, थेरी हो गई, मर्सेल हो गई और भी इन सारी मूवीज में ये सोशल मुद्दों पर बात करते ही करते हैं। तो अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कैसी रही कमाई। तो पहले दिन से शुरुआत करेंगे जिसमें ह्यूज कलेक्शन किया पूरी दुनिया से 130 करोड़ का, दूसरे दिन भी जबरदस्त कमाई करी और तीसरे दिन में ही पहले 3 दिन में नेट इंडिया से 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी मूवी। इसी के साथ पहले 3 दिन में पूरी दुनिया से 385 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। बात करें चौथे यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, आग फाड़ ग्रोथ रही। अभी तक की सबसे बड़ी कलेक्शन सिर्फ हिंदी से चौथे दिन में आई है, जो फर्स्ट संडे था इसका 71 करोड़ की सिंगल डे की कमाई, जो आज तक किसी भी मूवी ने, कोई भी बॉलीवुड मूवी हो गई या हॉलीवुड मूवी, कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी कभी इतना कलेक्शन कर ही नहीं पाई, जो अनबीटेबल रिकॉर्ड जवान ने सेट कर दिया है चौथे दिन में 71 करोड़ की कमाई करके सिर्फ हिंदी से। तो इसी के साथ पहले 4 दिनों पूरी दुनिया से कितनी कमाई करी, 520 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ 5वें और 6ठे दिन में भी अच्छी खासी ग्रोथ करी और पहला हफ्ता शानदार कंप्लीट करते हुए पहले 7 दिन में मूवी ने सिर्फ हिंदी से कमाया 327 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन फर्स्ट वीक से रहा है 369 करोड़। इसी के साथ पूरी दुनिया से फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते मूवी ने 660 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रख लिया था और पहले हफ्ते में ही भोला, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम की कथा, ब्रह्मास्त्र जैसे मूवियों के लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ चुकी थी। इसी के साथ सेकंड वीक की भी शुरुआत जबरदस्त करी और 8वें और 9वें दिन में एवरेज कमाई करते हुए पहले 9 दिन में ही 386 करोड़ के आंकड़े को टच किया और पहले 9 दिन में ही इंडियन नेट से 410 करोड़ के आंकड़े को टच किया और पहले 9 दिन में ही पूरी दुनिया से मूवी ने 735 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। ह्यूज कलेक्शन एवर, पहले 9 दिन में ही 700 करोड़ क्रॉस, भाई साहब रिप ऑल रिकॉर्ड, रेस्ट इन पीस ऑल रिकॉर्ड, बाय गॉड। इसी के साथ 10वें दिन में आते आते मूवी ने 30 करोड़ हिंदी से कमाए सिर्फ 10वें दिन में और नेट इंडियन कलेक्शन से 32 करोड़ कमाए 10वें दिन में और क्रॉस कलेक्शन से कमाए 40 करोड़। इसके ओवरसीज से कमाया आपने 10वें दिन में 37 करोड़। ह्यूज कलेक्शन अगेन, पठान के फर्स्ट डे के कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ दिया था ओवरसीज के, सिर्फ ओवरसीज से 10वें दिन में कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ पहले 10वें दिन में सिर्फ हिंदी से कितनी कमाई कर चुकी थी मूवी, 396 करोड़ और ऑल इंडिया से कितनी कमाई करी थी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 442 करोड़ का कलेक्शन और ऑल इंडिया ग्रॉस से कमाए थे पहले 10 दिन में मूवी ने 510 करोड़ और पूरी दुनिया से यह मूवी मात्र 2 करोड़ कम 800 में 798 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर लिया था पहले 10 दिन में ही। अगर ये 2 करोड़ और आ जाते तो हिस्ट्री मेकिंग रिकॉर्ड बन जाता बाय गॉड, कोई भी अनबीटेबल रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, कोई इतनी आसानी से तोड़ ही नहीं सकता था 800 करोड़ वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। भाई साहब अमेजिंग ग्रोथ, बॉलीवुड की हिंदी मूवी कभी भी ऐसी ग्रोथ करते नजर ही नहीं आई आज तक। तो अब बात करते हैं 11वें
12वें दिन की। 11वें दिन में कैसा रहा सिनेरियो? 34 करोड़ सिर्फ हिंदी से पहले 11 दिन में और 430 करोड़ पहले 11 दिन में हिंदी से टोटल कमाई कर चुकी थी। और इसी के साथ गदर 2 के सिर्फ हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को 500 करोड़ को बीट डाउन कर देगी यह मूवी कब? अपने 17 से 18 दिन में आने वाले, तो कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। 70 करोड़ की कवरअप करनी है और 500 करोड़ जो क्या कहते हैं गदर 2 का रिकॉर्ड है वो खलास हो जाएगा। जो गदर 2 ने 24 दिन की मेहनत से ये रिकॉर्ड सेट किया था 500 करोड़ का कवरअप करने का। इसी के साथ हिंदी से, तमिल, तेलुगु से तीनों को मिलाकर टोटल नेट कलेक्शन मूवी ने 11वें दिन कमाए थे 37.26 करोड़, यानी 37 करोड़ ही मान के चलो। इसी के साथ टोटल नेट कलेक्शन की बात करूं तो 11वें दिन में कितना कर लिया है, पहले 11 दिन में टोटल नेट कलेक्शन कितना हो गया है इस मूवी का? 480 करोड़ हो गया था। और पूरी दुनिया से पहले 11 दिन में इस मूवी ने 859 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था पहले 11 दिन में। ह्यूज कलेक्शन अगेन भाई, रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ है बाय गॉड। और यहां तक मूवी बजरंगी भाईजान और सुल्तान के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी थी अपने 11 दिन के कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ बात करें कल यानी सेकेंड मंडे की, यानी 12वें दिन कैसी ग्रोथ रही? आंख फाड़ ग्रोथ रही। मतलब मंडे वर्किंग डे होता है और ऐसी उम्मीद ना थी कि ये मूवी इतनी कमा जाएगी। तो हिंदी से 14 करोड़ का कलेक्शन आया और ऑल इंडिया नेट ग्रॉस से 16 करोड़ का, और ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ आया। और पूरी दुनिया से कल मूवी कमाते दिखी 12वें दिन में 26 करोड़ की कमाई। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 12 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं 444 करोड़। पहले 12 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन 496 करोड़। और इसी के साथ पूरी दुनिया से पहले 12वें दिन में मूवी 885 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेती है कल एंड ऑफ द डे तक। और KGF 2 के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ दिया मूवी ने जो 435 करोड़ का था। इसी के साथ RRR के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को तो 7वें दिन में ही बीट डाउन कर दिया था। और मे भी अपने 20वें दिन तक बाहुबली 2 हिंदी लाइफटाइम रिकॉर्ड को भी यह मूवी खदेड़ देगी जो 510.99 करोड़, मतलब 511 करोड़ के आसपास है। तो बात करें आज यानी 13वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस आज सम ऑफ प्लेस में ट्यूसडे वर्किंग डे होने के साथ साथ थोड़ी कमाई स्लो देखने को मिल रही है, कहीं पर ग्रोथ स्लो देखने को मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र और साउथ साइड और कुछ एक जगह पर गणेश चतुर्थी का हॉलीडे चल रहा है, तो इससे मूवी को दूसरी तरफ फायदा भी हो रहा है इस हॉलीडे से। तो मिक्स ग्रोथ है एवरेज टू अबव। तो फुल डे ऑक्यूपेंसी 20-22% के साथ मूवी लगातार इवनिंग और नाइट में कुछ एक जगह हाउसफुल बैनर लगाकर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है बाय गॉड। और एडवांस ही 3 करोड़ तक का कलेक्शन रखती नजर आ रही मूवी, और मूवी एंड ऑफ द डे तक नेट इंडियन कलेक्शन 14 करोड़ टच करते दिख रही है। इसी के साथ पहले 13 दिनों में ही आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 508 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी दोस्तों। अगेन अनबीटेबल रिकॉर्ड, सिर्फ 13 दिन में 500 करोड़ कवर अप करना, वो भी सिर्फ ऑल इंडिया से, बाय गॉड अमेजिंग ग्रोथ है। और आज भी 13वें दिन में ओवरसीज से 23 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही। तो पूरी दुनिया से पहले 13 दिन में कितनी कलेक्शन कर लेगी मूवी? 908 करोड़, 13 दिन में ही 900 करोड़। तो देख के लग रहा है कि 16 या 17वें दिन में ये मूवी, या फिर सैटरडे तक ही मान के चलते, सैटरडे तक ये मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर ही जाएगी। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों को क्या लगता है कि इस सैटरडे तक ये मूवी 1000 करोड़ टच कर लेगी, या इसको भी क्रॉस कर लेगी, या अभी भी किसी लोगों का ये कहना है कि 1000 करोड़ ये मूवी संडे तक कंप्लीट कर पाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी लाइफ टाइम कलेक्शन से ये मूवी 1500 करोड़ तो कमा के ही जाएगी, ये तो नो डाउट दिख ही रहा है। तो कौन कौन इस बात को गांठ बांध के रखता है कि 1500 करोड़ कवर अप कर जाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स पर ये भी अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।